जल्दी जल्दी आना कल वापस, ठीक है? ठीक है भाई। हगी हगी करो और वो करो, इधर से भी इधर से भी। हेलो जी, हमारा अहमद जी रेडी हो गया है माशाल्लाह। आज एक नन्हे से बच्चे को घर जाना है। हाँ। अहमद वो घर जाना है अब आज। हाँ खुश हो रहा है। फिर वापिस कब आओगे? कल। बस इतनी खुशी? संडे के दिन वापस आओगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अगर आप इस ब्लॉग में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर ब्लॉग शुरू कर। आज मुझे घर जाना है, कल वापस आऊंगा। आपको याद आएगी मेरी कितनी? ओ ओ ओ इतनी ज्यादा? वैसे परसों तो आपको संडे को वापस ही आना है। मुझे इतनी आएगी? इतनी याद आएगी? फिर मुझे अब करके जाना पहले, ठीक है ना? अभी अभी अभी। हाँ 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 चलो बैठो। जैम रोटी और ताई या चाय? पहले हम पढ़ाई करें। फिर जाओगे श्रीनगर? पहले जाना है, पहले नहीं, पहले पढ़ेंगे फिर जाओगे आप। अच्छा, जब हम कल आएंगे वहां से आएंगे जल्दी, अभी नहीं पढ़ सकते क्यों? हेलो जी, हमारा अहमद जी रेडी हो गया है माशाल्लाह। जबरदस्त स्मार्ट लग रहे हो। वाह, चश्मा तो लगा रहा है। ये ऐसे ही जाओगे क्या लगा के? मैं बहन को बोलूंगा, मेरी बहन को ले लिए कौन आ गया उनका ढमाने के लिए। अरे वाह, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आपको पता है? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब आप कब आओगे वापस? कल आओगे? हगी हगी करो और अवा करो, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से। अब जल्दी आना वापस, ठीक है? बस 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 जल्दी जल्दी आना कल वापस, ठीक है? ठीक है भाई। अभी अहमद जी हो रहा है रेडी जाने के लिए। अहमद, आई विल मिस यू। मैं बात बताऊं, मम्मा ने मुझे बोला बहन तब से वेट कर रही थी आपका सुबह से। आई विल मिस यू। जब मैं होता हूँ ना बाहर है ना, तब मेरी याद आती है। पढ़ाई भी करनी है। ओके बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ जाना है तुझे। बाय 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 बाय। अहमद आज घर चला गया और आज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं ऐसे ही बैठा था आज दिन भर बेड पे, कुछ किया भी नहीं। मैं रात के 11 बजे आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे लास्ट दो व्लॉग्स पे और आपने बहुत सारा प्यार दिया, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। फैमिली के साथ जो टूर किया ना, उसमें जो प्यार दिया है ना आपने, मतलब क्या ही बताऊं मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयां करने के लिए। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तो जी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये आए कि हम कैसे गुलमर्ग जा सकते हैं विंटर्स में इतनी स्नो में। देखो, विंटर्स में तीन तरीके हैं गुलमर्ग जाने के लिए। सबसे पहला तरीका जो है 4x4 गाड़ियां, जो कि हर किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास है वो तो जाते ही है। अब बचे दो तरीके, वो ये है कि आपके पास 4x2 गाड़ियां हैं, बहुत बहुत लोगों के पास है, तो वो 4x2 गाड़ियों से चले जाते हैं, लेकिन टगमग में उनको जो है चेन्स इंस्टॉल करवानी पड़ती है, तब जाके वो आगे जाते हैं, और जो गाड़ी के लिए भी अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा रिस्की भी है। अब जो ट्रेन ड्राइवर है वो ले ही जाते हैं वहां पे गाड़ियां। बचा है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट में जाएं। श्रीनगर से भी गाड़ी निकलती है टगमग के लिए, बारामूला से भी निकलती है गाड़ी टगमग के लिए, और किराया इसका यही 120 के करीब है टंगमग तक। जी, हम आए हैं स्टैंड में, टंगमग वाले स्टैंड में, और ये गाड़ी है जिसमें हम जाने वाले हैं।
अहमदपुर में जल्दी पहुंच गए और अम्मी अबू और बहन भी बस आ ही रहे। टंगमर्ग से फिर से आपको गाड़ी मिल जाएगी गुलमर्ग के लिए, जो कि आप वहां से ले सकते हैं। अच्छी गाड़ी है, वुशिन अकुई। और टंगमर्ग से गुलमर्ग का किराया जो है वो है 50 रुपीज, तो आप 200 रुपीज के करीब में जो है गुलमर्ग पहुंच जाएंगे, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो पूरा दिन आप गुलमर्ग में रहेंगे, आप एंजॉय करेंगे, स्कीइंग करेंगे, जो भी आपको एक्टिविटीज करनी है आप वो करेंगे। थोड़ा चेयर लिफ्ट है शायद। अच्छा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, जबरदस्त। अगर आपको केबल कार में फर्स्ट या सेकंड फेज में जाना, तो आपको टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी जेके टूरिज्म वेबसाइट से। पर पर्सन फर्स्ट फेज तक 740 रुपीज है, उससे आगे फिर 940 ऐसा कुछ है सेकंड फेज के लिए। तो मैंने फर्स्ट फेज के लिए की थी 740 पर पर्सन। मजा आया? मजा। सच में? अगर आपको स्टे करना है गुलमर्ग में, तो आपको होटल जो है वो मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। आपको जो है जेके टूरिज्म के हट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको 1-2 दिन पहले ऑनलाइन बुक करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपको मिल सकते हैं। और होटल्स इस टाइम पे पीक सीजन है, उनका तो रेट थोड़ा आपको ज्यादा वहां पे लिया ज्यादा, मतलब उनकी यही रेट होती है विंटर्स में, तो 4,000, 5,000, 6,000 ऐसा जो है आपसे रेट चार्ज किए जाएंगे। और फिर जितना बड़ा होटल तो उतना ज्यादा आपसे चार्ज किया जाएगा, क्योंकि उनका पीक सीजन होता है समर्स में, तो वो ज्यादा चार्ज करते हैं। अब रही बात स्टे करने के बाद वापस जाने की, तो सेम आपको गुलमर्ग से गाड़ी मिल जाएगी टंगमर्ग के लिए, 50 रुपीज आपको चार्ज करेगी। और वहां से आपको बारामूला जाना होगा तो आप बारामूला जा सकते हैं, आपको श्रीनगर जाना होगा तो आपको श्रीनगर गाड़ी मिल सकती है। बारामूला वाले प्रेफर करें कि वो जल्दी जल्दी गुलमर्ग से निकले 4-5 बजे तक, ताकि आपको टंगमर्ग से बारामूला की गाड़ी मिले। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपको बारामूला की गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको फिर जो है नाहबल साइड से जाना पड़ेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो विंटर्स में भी सब लोग जा सकते हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम लोकल गए तो बहुत आराम से बहुत मज़े से हम गए, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप 4x2 गाड़ियां भी ले सकते हैं, 4x4 वाले तो मज़े में है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी काम आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज़। सच में? हाँ, पहले जाते हैं फिर आते हैं, इसलिए सवारी मिलती है 2 बार। देखो हो गया। अरे किसी भी टाइम पे गिर जाते हैं ना। ओए बस 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 बस, अल्लाह रहम करे सबों पे। मजा आ रहा है आपको? एक भी टांगी रखी है, टांगी जंगल।